और डेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? डेंसिटी को अगर बेसिकली आप जाने तो ये होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का बेसिकली मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका अगर फॉर्मूले की बात करें हम लोग, अगर हम लोग डेंसिटी के फार्मूले की बात करें तो याद रखना है बेटा, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर हम लोग इसे जाने थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, मास होता है बेसिकली केजी में और वॉल्यूम आपको पता है मीटर क्यूब में होता है, तो उसका यूनिट हो जाता है केजी इंटू मीटर की पावर -3, क्योंकि ये अगर +3 नीचे ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर मास को हम लोग ग्राम में ले लें और इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में ले लें तो इसका यूनिट हो जाता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर की पावर -3। दिस आर द यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी को और समझने के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको हमें डिटेल में। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये स्टेट ऑफ मैटर मैंने बनाया हुआ है, एक ही दूसरा स्टेट ऑफ मैटर बनाया हुआ है। और मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टिकल की ऐसे फिलिंग कर रहा हूँ, इसके अंदर ऐसे पार्टिकल में भर रहा हूँ। ऐसे मैंने पार्टिकल भर दिए इसके अंदर, देखिए और इसके अंदर भी मैंने दूसरे मटेरियल के अंदर भी पार्टिकल भरे हुए हैं, ऐसे देखिए। अगर बोला जा रहा है इसकी डेंसिटी अगर d1 है, इसकी डेंसिटी अगर d2 है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता करना है कि कहां पर डेंसिटी अच्छी है, कहां पर डेंसिटी अच्छी है आपको पता करना है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल होता है, डेंसिटी कहां पर अच्छी है? डेंसिटी का मतलब है कि जहां पर पैकेजिंग अच्छी है, जहां पर पैकेजिंग अच्छी है वहां पर डेंसिटी भी अच्छी है। तो देखिए यहां पर बिल्कुल क्लोज पैकिंग है, यहां पर जो क्लोज पैकिंग है बिल्कुल देखिए, और यहां पर जो पैकेजिंग है वो कैसी है, रैंडम है, रैंडम पैकेजिंग है। तो यहां पर क्लोज पैकेजिंग है और यहां पर कैसी पैकेजिंग है, रैंडम पैकेजिंग है। तो याद रखना है कि जहां पर पैकेजिंग क्लोज होती है वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अगर ये यहां पर मैं बोलूं कि जहां पर पैकेजिंग अच्छी होती है वहां पर डेंसिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है, तो यहां पर देखिए पैकेजिंग बहुत अच्छी है, यहां पर पैकेजिंग हमारे रैंडम है, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कि डेंसिटी d1 जो होगी वो ज्यादा होगी d2 से। जो d1 होती है वो क्या होती है, d2 से ज्यादा होती है, इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इसी तरह हम लोग बात करें सॉलिड लिक्विड और गैस में, तो याद रखना है सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, देन बेटा होती है लिक्विड की डेंसिटी होती है, और सबसे जो बेकार डेंसिटी होती है वो गैस की होती है। आपको ये भी पता है ये अगर डेंसिटी का ऑर्डर है हमारा, तो डिफ्यूजन का ऑर्डर उल्टा होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। डिफ्यूजन का ऑर्डर बिल्कुल दूसरा होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर बात करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर अपन बात करते हैं, तो सबसे अच्छा डिफ्यूजन होता है गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। ये आपका ऑर्डर होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, ठीक है, ये डिफ्यूजन का ऑर्डर हो गया। इस तरह की बातें आपको करनी होती है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं बेटा, और डेंसिटी का बेसिकली मतलब यह होता है, आपको समझ में आ गया, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये डेंसिटी वाला पार्ट, इस एनी डाउट? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या होता है देख लेते हैं उसको।
व्हाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस? बाय डिफ्यूजन। Why ice float on the water surface? यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है कि आइस क्यों बेटा फ्लोट करती है? तो आपको पता है कि कोई भी हल्की चीज जो होती है वो भारी चीज के ऊपर फ्लोट करती है, कोई भी अगर लाइटर चीज होती है तो वो हैवियर चीज के ऊपर फ्लोट करती है, और इसका मतलब जनरली हम लोग क्या निकालते हैं, डेंसिटी से। अगर कोई भी फ्लोटिंग हो रही है दैट मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी। तो अगर मान लीजिए ये आपका वाटर है, वाटर का सरफेस है, और लेट सपोज यहां पर आपकी आइस फ्लोट कर रही है, अगर इसकी डेंसिटी लेट सपोज डी ऑफ आइस है, इसकी डेंसिटी लेट सपोज डी ऑफ वाटर है, तो याद रखना होता है बेटा हमारा डी ऑफ जो आइस होता है वो लेस देन होता है ऑलवेज डी ऑफ वाटर। मीन्स आइस की डेंसिटी -5 डिग्री सेल्सियस ना, -4 डिग्री सेल्सियस, तभी डेंसिटी होती है आइस की। बोल रहे हो बेटा? सर वाटर में फ्लोट जब आइस कर पाती है जब -4 डिग्री रहती है ना सर। नहीं, नहीं, ऐसा किसने बताया आपको भाई? हाँ सर देखो -4 डिग्री। नहीं, तो याद रखना है बेटा अगर आइस की डेंसिटी कम है तभी वो वाटर में फ्लोट कर पाती है। तो याद रखना है इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक क्या लिखेंगे, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर सो आइस फ्लोट ऑन द वाटर। क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम है इसलिए क्या करता है, आइस पानी में तैरता है। दूसरा इसका लॉजिक, ये दूसरा इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए आइस की देखने में डेंसिटी तो ज्यादा लग रही है, आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, तो जनरली आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, आपके दिमाग में बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है कि आइस है सॉलिड, और वाटर है लिक्विड हमारा, फिर ये ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है, तो उसका लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको ध्यान से आपने कभी आइस को देखा होगा, आपने कभी अगर आइस को देखा होगा जनरली, तो आइस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे होते ही आइस अंदर से अगर देखा होगा आपने, आइस जो होता है वो एक्चुअल में अंदर से हॉलो होता है, अंदर से आइस खोखला होता है, हॉलो होता है, या मुझे उसको एक वर्ड कहने में बड़ा अच्छा लगेगा, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है अगर आपने ध्यान से देखा हो वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अंदर से हॉलो होता है। जब हॉलो हो जाता है तो आइस की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, और अगर आपको आइस की डेंसिटी पढ़नी हो, याद करनी हो, तो डियर दैट इज नियर अबाउट 2.98 के आसपास। याद रखना है बेटा आइस की डेंसिटी जो होती है वो नियर अबाउट 2.98 होती है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार ये भी बता सकता हूँ कि जनरली बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं कि सर आइस तो सॉलिड है पर उसकी डेंसिटी क्यों कम हो जाती है, तो यहां पर आपको लिख लेना है आइस हैज केज लाइक हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो स्ट्रक्चर सो इट्स डेंस, इज सो इट्स डेंसिटी इज लेस। इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको अपने लेवल पे याद रखना है बेटा कि आइस की डेंसिटी इसलिए कम हो जाती है, ठीक है। किसी को डाउट, किसी यहां पर इसे नहीं डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
रब कर देते हैं हम लोग, आप लोग सो स्नैपशॉट ले लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं काम करता हूँ वाटर के बारे में। वाटर के बारे में बड़ा ही एक फेमस चीज होती है, अगर आपको पता भी होगा, दैट इज एबनॉर्मल नेचर ऑफ वाटर। पानी के लिए बोला जाता है कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, एबनॉर्मल है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एबनॉर्मल नेचर ऑफ वाटर। पानी में ऐसी क्या चीज होती है जो एबनॉर्मल होती है, इसको समझना है कि जनरली बेटा आपने देखा होगा, और ये बात भी है, देखा ही ना हो तो एक सिंपल सी थिंकिंग है आपकी कि मान लीजिए ये आपका टेम्परेचर स्केल है, ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 2 डिग्री सेल्सियस है, ये 3 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे 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 आगे बढ़ रहा है। तो जनरली जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, जनरली जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है बेटा, तो याद रखना है, याद क्या रखना है, उस समय डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज होती है, ये फैक्ट होता है, ये फैक्ट की तरह आपको याद रखना है, ठीक है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इंक्रीजेस, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं उल्टा बोल गया और आप समझ भी नहीं पाए। टेम्परेचर बढ़ने पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका अगर इंक्रीज कर रहा है, डेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी आपकी क्या होती है, कम होती है, इसको समझना है। टेम्परेचर इनका आपका इंक्रीज करने पर जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा, और जब बेटा पार्टिकल का स्पेस बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इस फैक्ट को आपको याद रखना, ये फैक्ट मैंने आपके सामने लिख रखा। अब इसी पे ही आगे थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है कि वाटर के लिए ये थोड़ा सा अजीब होता है। वाटर के लिए क्या होता है कि वाटर में अगर आप 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जाते हैं तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज करनी चाहिए थी। लेकिन याद रखना है बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या कर रही है, इंक्रीज करती है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। एंड इट इज मैक्सिमम, याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन ये, एंड इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं एबनॉर्मल नेचर ऑफ वाटर, मतलब पानी का अजीब सा नेचर। और तो पानी का अजीब सा नेचर ऐसे ही होता है, क्यों होता है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए हो कि पानी का ये एबनॉर्मल नेचर क्यों होता है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात है, आपको याद रखना है पानी के अंदर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, और उस टाइप को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि सिर्फ पानी और पानी में ही मिलती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पानी क्या है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पर उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, बट वो डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे बेटा आप 4 से आगे बढ़ते हैं, आप मान लीजिए 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे, फिर पानी यहां पर नॉर्मल बिहेव करता है। यहां पर पानी आपका नॉर्मल बिहेव करता है, केवल और केवल पानी आपका जो एबनॉर्मल बिहेव करता है वो यहां करता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच। आपको याद है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ही पानी आपका एबनॉर्मल बिहेव करता है। कोई दिक्कत किसी को, इज एनी डाउट? Is any doubt? No, sir. Okay.
आगे पढ़ते हैं, आगे और एक फैक्टर, एक और प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, और वो प्रॉपर्टी है हमारी रिजिडिटी। वो प्रॉपर्टी है हमारी रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए यहां पर मैंने आप इसको आपको एक स्टेट ऑफ मैटर दिया और इसके अंदर ये पार्टिकल्स ऐसे भरे हुए हैं, मैंने यहां पर कोई एक फोर्स लगाया, इसके फोर्स इसको फोर्स लगाकर हम जनरली इसको कंप्रेशन और इसका एक्सपेंशन ना कर पाए, मतलब अगर कर भी पाए तो बहुत लीस्ट अमाउंट पे कर पाए, मतलब पार्टिकल्स के अंदर जो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा है बेटा कि हम बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, दैट इज नोन एज रिजिडिटी। तो जनरली आपको याद रखना है कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर रिजिडिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा लिखते हैं इसको कि व्हाट इज रिजिडिटी, लिखते हैं इसको, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच we cannot compress or expand it whatever force we apply. is known as rigidity. ठीक है, अब देखिए रिजिडिटी किस पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है, लिख लेते हैं। रिजिडिटी प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजिडिटी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं रिजिडिटी की तो देखिए क्या हो जाता है, अगर हम लोग रिजिडिटी की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए तो सॉलिड की रिजिडिटी सबसे ज्यादा है, देन आपका लिक्विड है, फिर आपका गैस है। अगर यहां पर हम तीन चीजें लिखते हैं, एक लिखते हैं मान लीजिए आपका स्टोन, एक लिखते हैं ऑयल और एक लिखते हैं नाइट्रोजन गैस, तो आपको बिल्कुल बात समझ में आती है ये स्टोन इस रिजिड। यहां पर मैं लिख सकता हूं जो स्टोन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी हो जाएगी। तो रिजिडिटी इज द नेचर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और वी कैन से एनी मैटर बाय विच वी कैन नॉट कंप्रेस और एक्सपेंड इट व्हाट एवर द फोर्स वी अप्लाई। ओके, ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां पर, इज एनी डाउट? नो सर। ओके, अब यहीं पर एक हम लोग थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं अपने कंसेप्ट को और यहां पर एक चीज और लिखते हैं। जनरली आपने देखा होगा स्पॉन्ज, आपने देखा होगा स्पॉन्ज की अगर बात करूं मैं आपसे, ये आपने रबर की बात की होगी, रबर यहां पर लिख सकता हूं मैं, या तो रबर की बात करता हूं मैं आपसे में से, या मैं स्पॉन्ज की बात कर लेता हूं, मैं दोनों में से किसी की बात करता हूं। मान लीजिए मैं रबर की बात करता हूं या स्पॉन्ज की बात, आपने देखा होगा ये दोनों ही क्या है, दोनों ही सॉलिड है, दोनों ही क्या है, सॉलिड है,
बट इनके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, इनके शेप को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और इनके हम शेप को वापस उसी शेप में रिगेन कर सकते हैं अगर हम फोर्स यहाँ से रिलीज करेंगे। तो याद रखना है ऐसा इनके अंदर क्यों होता है, याद रखना है किसी किसी सॉलिड में एक स्पेशल टाइप का नेचर होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, आपको लिखना है यहाँ पर, मैं सॉलिड में आपको लिखवा देता हूँ, सम सॉलिड हैव इलास्टिक नेचर, इलास्टिक नेचर बाय विच दे कैन बी कंप्रेस विथ अप्लाइंग द फोर्स एंड वेन वी रिलीज या रिमूव द फोर्स, वेन वी रिमूव द फोर्स दे गेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब क्या है थोड़ा सा समझना है, इन दोनों तरह के मटेरियल पे कौन कौन से मटेरियल है, सम सॉलिड हैव इलास्टिक नेचर, इलास्टिक नेचर, इलास्टिक नेचर का मतलब ये होता है, समझना है बेटा, कि मान लीजिए ये आपका एक रबर है, इरेजर है, आपने अगर इरेजर में फोर्स लगाया दोनों साइड से तो आपने देखा होगा इरेजर का साइड क्या होगा, छोटा हो जाता है, और अगेन आप जब फोर्स फिर से रिलीज करेंगे तो फिर से क्या हो जाता है, उसका साइज ओरिजिनल स्टेट इसमें आ जाता है, और ये साइज आपका छोटा हो गया था। तो बेसिकली इरेजर क्या हो जाती है, अगर आपको पता हो, नॉलेज हो, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखी है, कंप्रेस हो जाती है अप्लाइंग द फोर्स, और अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो वापस फिर से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाती है इरेजर। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर आपको कोई पूछता है आपसे तो आप बता सकते हो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। थोड़ा सा फिर से मैं सही से लिख देता हूं इसको, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बोलते हैं, और एक कहां कहां होती है, एक तो रबर में होती है और स्पॉन्ज में होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टिल रबर एंड स्पॉन्ज आर सॉलिड बट दे कैन बी रीमोल्डेड, और वी कैन से दे चेंज देयर शेप। उसका रीजन होता है बिकॉज दे हैव इलास्टिक नेचर, बिकॉज उनके पास कौन सा नेचर होता है, इलास्टिक नेचर होता है, ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर, ओके। रफ करता हूं, अब बेटा हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक और भी प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं आपसे अब, और उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उस प्रॉपर्टी का नाम है फ्लूडिटी, फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, याद रखना है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। इसका मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, और कोई भी मैटर अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसका मतलब होता है कहां पर एप्लीकेबल होती है, fluidity is applicable where density is less, जहां पर आपका density क्या होती है, कम होती है,
अगर आपको पता होगा, अगर आपको यहाँ पर पता होगा बेटा, थोड़ा सा नॉलेज इसमें आपको मैं आपको देना चाहता हूँ। जनरली जो फ्लूडिटी का वर्ड होता है ना, वो लिक्विड के लिए यूज होता है, लिक्विड्स आर फ्लूड। लेकिन ऐसा नहीं है, गैस की फ्लूडिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो आराम से एक जगह तक दूसरे जगह तक जा सकते हैं, बट गैस प्रैक्टिकली प्रॉस्पेक्ट में यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर उसको छोड़ सकते हैं। मतलब छोड़ क्या देते हैं, मतलब उसको जनरली फ्लूडिटी से रिलेट नहीं करते हैं। आपके लेवल पे आपको याद रखना है फ्लूड का मतलब होता है लिक्विड, तो फ्लूडिटी इज एप्लीकेबल वेयर डेंसिटी इज लेस, तो ये कहां पर होती है, या तो लिक्विड में होती है बेटा, और ये आपकी गैस में। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर फ्लूड है, दैट मींस वो फ्लो आराम से कर रहा है, फ्लो मतलब आसानी से एक जगह से दूसरे जगह वो जा रहा है। अब आपके सामने एक सवाल उठता है कि देखिए सर, आपके पास वाटर और हनी, हनी आपके पास वाटर और हनी दोनों क्या है, लिक्विड है, दोनों ही आपके क्या है, लिक्विड है, तो कहां पर फ्लूडिटी ज्यादा होगी? आपको पता है कहां पर डेंसिटी ज्यादा है? अगर वाटर की डेंसिटी आप D1 ले लें और हनी की डेंसिटी आप D2 ले लें, तो आपको इतना तो पता होगा कि वाटर की डेंसिटी हनी की डेंसिटी से कम, तो आपको पता होगा कि वाटर की डेंसिटी हनी की डेंसिटी से कम है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, वाटर हैज मोर फ्लूड नेचर देन हनी। वाटर के पास फ्लूड नेचर हनी से ज्यादा है। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं कि हनी वास्तव में क्यों फ्लो नहीं करती है। एक तो नेचर है कि उसमें फ्लूडिटी कम है, बिल्कुल सही बात है, वास्तव में उसमें फ्लूडिटी कम क्यों है, तो याद रखना है हनी डज नॉट फ्लो ड्यू टू लोअर रेट ऑफ फ्लूडिटी और इट कंटेन मैक्सिमम और वी कैन से मोर विस्कोसिटी, मोर विस्कोसिटी। देखिए आपके सामने एक नया वर्ड आ गया विस्कोसिटी, जो आपने शायद पहली बार सुना होगा विस्कोसिटी। मैं बोल रहा हूं कि हनी के पास फ्लूडिटी कम है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो आप सोच रहे हो कि सर ये विस्कोसिटी क्या होती है, भाई हनी के पास ऐसी क्या चीज है जिससे ये विस्कोसिटी इसके पास ज्यादा हो गई है? तो याद रखना है कुछ नहीं होता विस्कोसिटी। जैसे आपको पता होगा ये आपका एक सरफेस है, अगर आप इसके ऊपर चलते हो तो आपको पता है इस सरफेस और इस आपकी सरफेस के बीच क्या आता है, फ्रिक्शन लगता है, आपको पता होगा फ्रिक्शन लगता है। ऐसे ही बेटा लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल मोशन करते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच इंटरनल फ्रिक्शन लगता है, आपको पता होना चाहिए। लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल मोशन करते हैं और उन पार्टिकल्स के अंदर भी क्या लगता है, इंटरनल फ्रिक्शन हमें महसूस होता रहता है। उस इंटरनल फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यहां पर मैं विस्कोसिटी का डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी अगर मैं आपसे बोलूं, द इंटरनल फ्रिक्शन between the layer of liquid, between the layers of liquid is known as viscosity. internal friction लिक्विड के लेयर के अंदर जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। याद रखना है मेरे भाइयों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है विस्कोसिटी के कारण ही हनी क्या करती है,
ठीक है, हनी क्या करती है, हनी देर से फ्लो करती है, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट फ्लूड नेचर, एंड वहीं पर मैंने आपको इंक्लूड कर दिया विस्कोसिटी। तो ऐसे लिक्विड जो विस्कोसिटी शो करते हैं दे आर विस्कस, दे आर विस्कस। तो आपसे पूछा जा सकता है वाटर इज लोअर रेट ऑफ विस्कोसिटी देन हनी, और वी कैन से ऑयल हैज लोअर रेट ऑफ विस्कोसिटी देन हनी, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है, विस्कोसिटी कुछ नहीं है, लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन है, लिक्विड के अंदर लेयर्स की फ्रिक्शन है, दैट इज विस्कोसिटी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ओके। नो सर। अब मैं आपको दो चीजें और बताने जा रहा हूं, ये तो नॉर्मल चीज हो गई, आपका होमवर्क है, मुझे आप लोग होमवर्क भेजेंगे, क्या भेजेंगे मैं आपको लिख देता हूं होमवर्क क्या है आपका। सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपको डिफरेंस लिखना है, और कितने डिफरेंस लिखने हैं याद रखना है, कम से कम 8 से 10 डिफरेंस लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखने, मतलब यहाँ सॉलिड, यहाँ लिक्विड, यहाँ गैस, और ऐसे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग समझ गए होंगे। अब yes, अपन बात करते हैं दो हमारे स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस तो आपको पता होते हैं। देर आर टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर, अगर मैं उनकी बात करूं तो पहला स्टेट ऑफ मैटर आपका होता है प्लाज्मा, और दूसरा स्टेट ऑफ मैटर जो हमने डिस्कस नहीं किया है, दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस, आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। कैसे नहीं, इन शॉर्ट लिखते हैं बीसी। तो वास्तव में ये प्लाज्मा स्टेट और ये आपके हैं क्या, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेशन स्टेट हैं क्या? तो देखिए, आपको अगर नॉर्मल पता हो, यहां पर मैं लिख दूं सॉलिड, यहां पर लिख दूं लिक्विड, और यहां पर लिख दूं गैस, ये तो 3 बेसिक स्टेट थे, क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर है। अगर मैं गैस के पार्टिकल को क्या कर दूं, थोड़ा सा एनर्जाइज कर दूं, इनको एनर्जी दे दूं, और उनकी एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम में दे दूं गैस के पार्टिकल को, मतलब गैस के पार्टिकल को मैं और ज्यादा एनर्जी दे दूं, तो बेसिकली पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सुपर एक्साइटिंग स्टेट में चले जाते हैं, सुपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और उस सुपर एक्साइटेड स्टेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। याद रखना है, गैस के पार्टिकल को अगर हम लोग सुपर एक्साइटिंग स्टेट में ले जाते हैं तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, मतलब गैस के पार्टिकल को और ज्यादा एनर्जी दे दें, गैस के पार्टिकल को अपन क्या कर दें, और ज्यादा एनर्जी दे दें, तो बड़ा ही यार एक अजीब सी घटना हो जाती है कि अगर हम लोग गैस के पार्टिकल को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं अगर डिफाइन करूं तो व्हाट इज द प्लाज्मा स्टेट, तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा स्टेट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और ये बेसिकली है क्या, ये सुपर एक्साइटिंग स्टेट है, ये हमारी क्या है, सुपर एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। यहां पर एनर्जी आपकी पता है मैक्सिमम होती है, एनर्जी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होती है। और अगर आप इसके एग्जांपल की बात करें, कुछ नॉर्मल एग्जांपल है, जितने भी एस्ट्रोफिजिक्स के एग्जांपल होते हैं वो सब प्लाज्मा के एग्जांपल होते हैं, जैसे लाइटनिंग, आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है जब बरसात होती है, थंडर आता है बेसिकली, तो लाइटनिंग, ठीक है, सोलर विंड, सोलर विंड, ठीक है, वेल्डिंग आर्क्स,
जो वेल्डिंग से हमारे आर्क निकलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग और ज्यादा बात करते हैं स्टार्स, स्टार्स भी प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, ठीक है। मतलब ये सब रिसर्च के टॉपिक हैं भी। और एक आइनोस्फीयर आपने सुना होगा, अर्थ के जो फिफ्थ लेयर होती है, दैट इज आइनोस्फीयर। मतलब आइनोस्फीयर मतलब जहां पर बेसिकली आपके रेडियो वेव्स चलते हैं, दैट इज आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, प्लाज्मा स्टेट के एग्जांपल होते हैं, समझ रहे हैं कितना, मतलब मतलब बोले कि कितना रिसर्च के टॉपिक है और कितना लेटेस्ट टॉपिक होते हैं हमारे, ये प्लाज्मा के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अब बीसी क्या होता है, या बीसी के एग्जांपल्स की अपन बात करेंगे, तो याद रखना है यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोगों ने क्या की थी, सुपर एक्साइटिंग की थी, और यहां पर हमें क्या करना है, सॉलिड के पार्टिकल की सुपर कूलिंग करनी है। क्या करनी है, सुपर कूलिंग करनी है, मतलब बहुत नीचे टेम्परेचर तक क्या करनी है, सुपर कूलिंग करनी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बीसी इज ए स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना, इन विच बेसिकली गैस से वो किया जाता है। मतलब मैंने एग्जांपल के लिए आपको सॉलिड बता दिया था, मतलब बेसिकली कि सॉलिड से भी नीचे सुपर कूलिंग, इन विच गैस ऑफ गैस या एनी गैस इज कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो is known as BC. Absolute zero का मतलब क्या होता है बेटा, minimum temperature. और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो minimum temperature का, तो मैंने आपको minimum temperature बता रखा है। Minimum temperature होता है बेटा near about to -273°C. इस temperature तक हमें क्या करना है, किसी गैस की cooling कराते रहने हैं, मतलब गैस के पार्टिकल को पास पास बनाना चाहना है। मतलब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड के बाद भयंकर सुपर कूलिंग कर दो, ठीक है। तो याद रखना है, फिर उसे हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का पार्ट मानेंगे। और इसके दो एग्जांपल बहुत फेमस हैं, अगर आपको बताऊं इसके दो एग्जांपल बहुत ही फेमस एग्जांपल होते हैं। पहला तो एग्जांपल होता है सुपर फ्लूट्स और इसका दूसरा एग्जांपल होता है सेमीकंडक्टर, या सॉरी सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जहां पर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का आपका फ्लो हो रहा हो, दैट इज आपका क्या होता है बेटा, दैट आपके होते हैं सुपर कंडक्टर होते हैं। सुपर फ्लूइड देख लेते हैं क्या होते हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर विस्कोसिटी जीरो होती है, मतलब यहां पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। मतलब यहां पर क्या है, आराम से पार्टिकल्स का फ्लो होता रहता है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी विस्कोस के। तो विस्कोसिटी के बिना जहां पर फ्लो होता है, दे आर नोन एज सुपर फ्लूइड। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो विदाउट किसी हिंड्रेंस होता है, उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो दीज आर द एग्जाम्पल, ये बेसिकली हमारे एग्जांपल है बेटा किसके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और किसके, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट के। तो अगर आज की क्लास में अपन बात करें तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको डेंसिटी पढ़ाई, फिर रिजिडिटी पढ़ाई, विस्कोसिटी पढ़ाई, कंप्रेसिबिलिटी से फिक्स सिखाई, इलास्टिसिटी पढ़ाई, देन लास्ट में फ्लूइडिटी पढ़ाई, हाँ फ्लूइडिटी पढ़ाई, और प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कर लिया। और मैंने आप आज जान लिया कि हमारे पास बेसिकली कितने स्टेट ऑफ मैटर हैं, 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। तो 3 तो क्लासिकल होते हैं, 2 आपने नए पढ़े, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अगर किसी को आज के क्लास में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। ये एग्जांपल जरूर नोट कर लेना, जनरली बच्चों को ये एग्जांपल सुपर फ्लूइड और सुपर कंडक्टर नहीं पता होते हैं,
सुपर फ्लूड में आपसे एक बार बोल रहा हूँ जहां पर विस्कोसिटी जीरो होती है, ऐसे फ्लूड को हम लोग बोलते हैं सुपर फ्लूड। ठीक है, तो प्लीज इस एग्जांपल को आप लोग पढ़ के रखिएगा कि सुपर फ्लूड क्या होता है। ठीक है, तो सुपर फ्लूड हम बना सकते हैं, सुपर फ्लूड हीलियम को बनाते हैं, कभी कभी हीलियम गैस होती है उसको सुपर फ्लूड बना देते हैं। ठीक है, 1 केल्विन के आसपास से ले जाते हैं, मतलब इतना ज्यादा ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी आज। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो किसी बच्चे को किसी भी पार्ट में तो प्लीज मुझसे पूछ लो 2 मिनट में, अदरवाइज हम क्लास को एंड अप करते हैं। इज एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए बेटा, फिर आप लोग होमवर्क जरूर करिएगा, मैं अगले क्लास में एक एक बच्चे से होमवर्क देखूंगा। चलिए मिलते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड बाय सर। गुड बाय सर। गुड बाय सर। गुड बाय।